नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा एडुलन के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलोजिम। देखिए, सिलोजिम्स में आज हम पार्ट नंबर 17 कर रहे हैं। कौन सा? 17 पार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम 16 पार्ट कर चुके हैं। मैं स्टूडियो तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो घर से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे पूरे इंडिया में लॉकडाउन है, तो मेरा स्टूडियो तक पहुँचना इम्पॉसिबल है। तो मैं घर से ही वीडियो बना रहा हूँ। मेरी टीम मुझे जो आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन जो जिन क्वेश्चंस का, देखिए क्वेश्चंस सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होता है, उससे स्टूडेंट्स का पता लगता है कि स्टूडेंट्स ने सारी वीडियो देखी है कि नहीं देखी है। अगर उसके बाद जो क्वेश्चंस निकल के आ रहा, सारी वीडियोज़ यानी कि 16 तक अगर आपने देख ली हैं, तो मुझे उसके बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे कराना चाहिए, तो मैं कराता हूँ। जो स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आज की वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप फर्स्ट वीडियो, पहली वीडियो से देखिए। पहली वीडियो से देखते हुए आइए सिलोजिम स्टार्ट कीजिए। जैसे ही आप पहली वीडियो कवर कर लेंगे, पहली वीडियो देखते ही लगभग लगभग 90% आपका सिलोजिम कवर हो जाएगा। बाकी जो बचा 20% में स्टूडेंट कहते हैं सर ए फ्यू वाले क्वेश्चन, ठीक है, ओनली फ्यू वाले क्वेश्चन, इन पे अटक जाते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, इसके लिए भी मैंने बाकी जो लेके 2 से लेकर 16 तक जो पार्ट हैं वीडियोस के, 2 to 16 जो पार्ट हैं वो देख लीजिए, आपका बाकी 20% भी कवर हो जाएगा। अगर आपने सारी वीडियोस देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि सिलोजिम्स का आपका कुछ भी बचेगा। आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, और उसके बाद अगर कोई आपको मुश्किल आती है तो क्वेश्चंस आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। वहां इन क्वेश्चंस को, ठीक है, ये जो टेलीग्राम में आप क्वेश्चंस भेज रहे हैं उनको मैं, मुझे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लगते हैं उनको मैं कराने की कोशिश करूँगा हर हालत में। तो आज कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ठीक है, तो ये जो टेबल है, पहले मैं बता देता हूँ, ये मैंने पार्ट 14 में कराई है स्टूडेंट्स को। जब पार्ट 14 मैंने कराया था, तो वहाँ पर पार्ट 14 में ये समझाई थी, लाइव क्लासेस लाइव सेशन लिया था मैंने वहाँ पर, कि देखिए एवरी, अगर कहीं पे क्वेश्चंस में एवरी आता है, ईच आता है, एनी आता है, या कोई पर्टिकुलर थिंग या पर्सन से कोई स्टेटमेंट शुरू होता है, तब वहाँ पर हम ऑल लिखते हैं, मोस्ट अ फ्यू अ लिटिल मोस्टली, इन सबको क्या लिखते हैं। ये मैं बहुत डीपली नहीं बता रहा, बस एक बार आपको दिखा दिया मैंने पार्ट 14। एक बार जिन लोगों ने देखा है वो उनको बड़े इजीली लग रहा होगा, समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार पार्ट 14 पर आप चले जाइए। जैसे ही आप पार्ट 14 देखेंगे तो बहुत, मतलब सिलोजिम्स क्या बहुत आसान है, और बंच में क्वेश्चंस आते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, तो बंच में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत मतलब अच्छे से आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और ना ही तो वो वेन डायग्राम वाला मेथड होता है हमारा, और ना ही वो 150 वाला मेथड होता है, क्योंकि मेरा मानना ये है जितनी देर में आप वेन डायग्राम में 150 मेथड के बारे में सोचते हैं, इतनी देर में आप 4 से 5 क्वेश्चंस करके निकल जाएंगे। और आजकल के जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे SSC का हो, चाहे फिर आपका रेलवे का हो या IAS का हो, सभी में जो एग्ज़ामिनर है वो इस तरीके से पेपर सेट करता है कि आपका टाइम जो हो वेस्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के उसका मकसद होता है, क्योंकि उसको पता है, देखिए क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस वही रिपीट होते रहते हैं, क्या करेगा क्वेश्चंस में, कुछ नया घुमा नहीं सकता है। सिलोजिम्स फॉर एग्जांपल, सिलोजिम ही है, सिलोजिम्स में क्या घुमाएगा, वही क्वेश्चंस हैं, ओल्ड टेबल आर ओल वोल ऐसे करता रहेगा, या हिडन वर्ड से क्वेश्चन दे रहा है आजकल 2-3 साल से, तो बस क्वेश्चंस वही रहते हैं, बस आपको उनको लेंदी कर देगा, तो उस लेंदी की वजह से ही आपका टाइम वेस्ट होता है, और फिर बाकी जो जल्दी कर लेते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं। तो आपको अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं मैं उनको कह रहा हूँ, अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो आपका कभी भी कोई आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं आज। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं इसको। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल डेस्क आर टेबल, ओनली ए फ्यू टेबल आर वुड, ऑल रूम आर वुड, ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंक्लूजन में देख लीजिए, सम रूम आर टेबल, नो टेबल इज रूम, ठीक। अब ये आपको 5 पॉइंट्स दिए हैं, यानी इनमें से छांटना, आपको आंसर बताना विच वन इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। ये हमारी जादुई टेबल नंबर 1 है, ये जादुई टेबल नंबर हमारी 2 है दोस्तों, ठीक। ये जब 2 या 2 से ज़्यादा का स्टेटमेंट्स वाले स्टेटमेंट से क्वेश्चन होता है, तब हम जादुई टेबल नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं, और सिंगल स्टेटमेंट के लिए जादुई टेबल नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं, फिर उनसे वही रिक्वेस्ट है कि
पहली वाली वीडियो पे जाइए, वरना बड़ा अजीब सा लगेगा आपको। खैर, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद चलिए अब देखते हैं, वो हमारा वही मेथड हम कंक्लूजन से स्टेटमेंट की ओर करेंगे। तो देखिए, कंक्लूजन पढ़िए, हम क्वेश्चन स्टेटमेंट देख नहीं रहे, हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन में क्या कहा गया, पहले कंक्लूजन में सम रूम और टेबल, और टेबल क्या दिया हुआ, रूम और टेबल दिया हुआ है। ओके, तो देखते हैं रूम कहाँ पर है हमारा, रूम यहाँ पर है, दिस वन इज़ रूम, और वेरी स्टेबल ये टेबल है, ये रहा टेबल, और यहाँ पर भी टेबल है। ठीक है दोस्तों, हमें रूम और टेबल में देखना है, तो यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट से हमारा काम चल जाएगा। वुड से वुड क्रॉस कर दिया हमने, ये कौन सा का वुड से वुड का, ये है राइट साइड, क्या राइट साइड परपेंडिकुलर क्रॉस। ठीक है, अब देखिए ओनली ए फ्यू आपको दिक्कत करने वाला है, ठीक है, ओनली ए फ्यू आपको दिक्कत करने वाला है। मैंने बताया था अगर कहीं लिखा है ओनली ए फ्यू, तो इसको कन्वर्ट कर दो किस में, सम में, किस में कर दो, सम में। तो ये बन गया सम टेबल आर वुड, बन गया दोस्तों। और नीचे वाला है ऑल रूम आर वुड, ठीक है, इससे ये क्रॉस हो गया, ये राइट साइड परपेंडिकुलर क्रॉस। और मैंने बताया था राइट साइड परपेंडिकुलर में ए बी सी डी ऐसे हम चलते हैं अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, और ये होता है, ये वाला शुरुआत वाला होता है रनिंग वेरिएंट, ये रनिंग वेरिएंट होते हैं, और ये होते हैं इंटरनल वेरिएंट, इनको बोलते हैं इंटरनल वेरिएंट और इनको बोलते हैं रनिंग वेरिएंट। तो अब इनको जोड़ना है हमें, ठीक है, और कैसे जोड़ेंगे, मैंने आपको बता दिया जब राइट साइड परपेंडिकुलर क्रॉस होता है तो राइट साइड परपेंडिकुलर में अल्फ़ाबेट की फॉर्मेट में जोड़ते हैं, यानी पहले ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, लास्ट ऐसे ऐसे चलते चलते फिर एस आएगा। तो बताओ एस पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में या ए पहले आता है, तो ए पहले आएगा, तो हम लिखेंगे इसको ऑल प्लस सम, ऑल प्लस सम लिखेंगे, ऑल प्लस सम लिखेंगे इसको। तो ऑल प्लस सम क्या होता है, ऑल प्लस सम होता है नो कंक्लूजन, तो यानी कि रूम और टेबल में कोरिलेशन नहीं बन रहा, इसलिए हो गया कट, इसको हो गया नमस्ते। चलिए अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या, टेबल और रूम, टेबल और रूम, ठीक है, टेबल और रूम क्या है, फिर वही है, टेबल यहाँ पर है और रूम यहाँ पर, इन दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है, टेबल यहाँ पर है, रूम यहाँ पर, दोनों से काम चल रहा है। ओनली ए फ्यू, अब देखो फिर वही, हम वही करेंगे, वुड से वुड काट दिया दोनों से, फिर वही, दोनों में कोरिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों गलत हो गए। अब जरा मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूँ, जस्ट ए मिनट, ठीक है, ये हो गया क्लियर। ठीक है, तो यानी कि ये वाला फर्स्ट कंक्लूजन भी गलत है और सेकंड वाला भी कंक्लूजन गलत है, तो यानी कि बोथ आर रॉन्ग, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया। तो मैंने जब, अब मैंने आपको बताया है जब भी दोनों ये गलत हो जाएं कंक्लूजन, तो दिमाग में हमेशा याद रखिए पार्ट, मैंने 8 में बताया था, अगर दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएं और आपको दिखे कि ये वाले वेरिएंट ये, इंटरनल वेरिएंट ये और ये सेम हो, तो एकदम दिमाग में बत्ती जला लीजिए दिमाग की, कि ये हो सकता है ईदर ईदर और वाला केस हो। ठीक है, ईदर और वाले के लिए हमने, मैंने तीन कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन तो ये थी कि क्या ऑल जितने भी कंक्लूजन है वो गलत होने चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन डिस्टर्बेंस कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है जी, दोनों कंक्लूजन गलत हैं। दूसरा मैंने बताया था कि जो इंटरनल वेरिएंट है वो सेम होने चाहिए, इंटरनल वेरिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देखो यहाँ रूम या टेबल, यहाँ रूम और यहाँ टेबल, यानी इंटरनल वेरिएंट भी सेम है। तीसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि पेयरिंग बनी हुई होनी चाहिए, किसकी पेयरिंग बनी होनी चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए किसकी, जो रनिंग वेरिएंट है। रनिंग वेरिएंट क्या है, ये सम नो, ये ऑल ओनली, ये रनिंग वेरिएंट होते हैं, यानी कि ये किसी स्टेटमेंट के कंक्लूजन को रन कराते हैं। जो पेयरिंग होनी चाहिए किसकी, पेयरिंग बनी होनी चाहिए रनिंग वेरिएंट की, रनिंग
वेरिएंट, रनिंग वेरिएंट की पेयरिंग होनी चाहिए, रनिंग वेरिएंट की। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो पेयरिंग में एक बार रफ कर देता हूँ। मैंने बताया था तीनों कंडीशन आपको समझ में आनी चाहिए, ये मैं थर्ड वाली एक बार बता देता हूँ, दोबारा बता दूंगा, एक मिनट रुकिए। तो पहला क्या कंक्लूजन सही हो रहा है, कंक्लूजन रोंग है, दोनों कंक्लूजन रोंग है, बिल्कुल हमारी बात सहमत है। इंटरनल वेरिएंट सेम होने चाहिए, इंटरनल वेरिएंट सेम हो रहे हैं, देखो। चलो थर्ड वाला पेयरिंग बने होने चाहिए, पेयरिंग कौन कौन से होने चाहिए, देखो कौन कौन से पेयरिंग होते हैं। देखो तीन पेयर मैंने बताया था, पहले लिखो, सबसे पहले लिखो सम, यहाँ पे लिखो ऑल और यहाँ पे लिखो सम नोट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखो सम, सम नोट, ठीक है। अब देखो इस सम के साथ तो लिख दो नो, इस ऑल के साथ लिख दो सम नोट, और इस सम नोट के साथ लिख दो सम। ये तीन पेयर होते हैं, एक दो, ये तीन पेयर हैं। अगर ये तीन रनिंग जो वेरिएंट हैं, ये रनिंग वेरिएंट हैं, अगर इन तीनों में से, इन तीनों में से रनिंग वेरिएंट कोई भी पेयर बनाते हैं, तो वो इधर और वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखो सम और नो, सम और नो, सम और नो क्या बन रहा है, ये सम और नो बन रहा है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल होगी, कंक्लूजन दोनों रॉन्ग हैं, इंटरनल वेरिएंट सेम है, देखो दोनों कंक्लूजन, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हैं, इंटरनल वेरिएंट ये रे सेम है, और सम नो वाला पेयर बन रहा है। तो इधर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड विल बी फॉलो, तो आंसर नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, बस यहाँ पर यह था कि जो इधर ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू जो है, ओनली ए फ्यू, यहाँ पर स्टूडेंट्स को कई बार दिक्कत होती है, और ओनली ए फ्यू का मतलब होता है सम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये, क्या ए फ्यू डॉग्स आर लॉयन, ए फ्यू डॉग्स आर लॉयन। ठीक है, फ्यू डॉग्स आर लॉयंस, अ फ्यू लॉयंस आर नॉट एलिफेंट, दो दिया हुआ, यानी पहला स्टेटमेंट ए फ्यू डॉग्स आर लॉयंस, फ्यू लाइंस आर नॉट एलिफेंट। पहले मैं बता दूं, अगर कहीं पर ए फ्यू लिखा है, ए फ्यू, यहाँ पे ए फ्यू की बात हो रही है, तो उसका मतलब होता है सम, और अगर कहीं लिखा फ्यू नॉट, तो उसका मतलब भी सम होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर क्या हो गया, सम डॉग्स आर लायन और लायंस, सॉरी सम, क्योंकि फ्यू नॉट की जगह लिख दूंगा सम, या अ फ्यू की जगह लिख दिया मैंने क्या सम, ये देखो, और फ्यू और नॉट की जगह लिखूंगा सम, तो सम लायंस आर एलिफेंट। ठीक है, ये हमारे दो स्टेटमेंट है। अब हमें इन कंक्लूजन को देखकर क्वेश्चन देख करना है। All dogs are elephant dogs और elephant. Where is dog? Dog. ये रहा elephant, ये रहा lion से lion कट गया। ये कौन सा हो गया? ये हो गया left side diagonal cross, और left side diagonal cross में जो running variant हैं उनको हम ऊपर से नीचे को जोड़ते हैं। Sum plus all क्या होता है? Sorry, ऊपर से नीचे को जोड़ेंगे। Sum plus sum क्या हो गया? क्योंकि ये sum है। Sum plus sum क्या हो गया? Sum plus sum हो गया नो कंक्लूजन, यानी ये फर्स्ट वन इज गलत, यानी कोई रिलेशन नहीं बन रहा डॉग और एलिफेंट में। चलिए दूसरा दे रहा है सम एलिफेंट्स आर लायन, एलिफेंट और लॉयन, एलिफेंट ये रहा और लॉयन ये रहा, सिंगल स्टेटमेंट है। सिंगल स्टेटमेंट के लिए कौन सी टेबल ज्यादा, टेबल नंबर टू इस्तेमाल होती है। अगर कहीं पे लिखा है, कहीं लिखा है ऑल सम ए आर बी, तो हम इसको लिख सकते हैं सम बी आर ए। देखो सम को सम बाय डायरेक्शन होता है, तो अगर सम लॉयंस आर एलिफेंट है, तो हम इस एलिफेंट को यहाँ ला सकते हैं और लायन को यहाँ ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सम एलिफेंट्स और लायंस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, पहले वाला गलत था। अब देखो सम लायंस आर डॉग्स, लायंस आर डॉग्स, लायंस ये रहा, डॉग्स ये रहा, वही सम वाला केस है, इस लायंस को यहाँ पे ले आइए और डॉग्स को यहाँ पे ले जाइए, तो दिस वन इज आल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग और बाकी दोनों आपके ये सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बुक्स आर पेन, ठीक है, ऑल पेन आर पेपर,
सम पेपर आर पेजेस। देखिए यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पर कोई भी रनिंग वेरिएंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऑल दिया हुआ है, यहाँ पर सम दिया हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। तो जब भी मैंने आपको पार्ट 14 पढ़ाया था, पार्ट 14 में मैंने हिडन वर्ड्स आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैंने बताया था जब भी आपको कोई रनिंग वेरिएंट नहीं दिया हुआ, कोई रनिंग वेरिएंट नहीं दिया हुआ है और शुरुआत किसी किसी वस्तु से या किसी पर्सन से शुरू हुआ, किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग से शुरू हुआ, तो कुछ नहीं करना, उसके सामने यहाँ पर बस ऑल लगा दीजिए। तो ये हो गया ऑल बुक्स आर पेन, ऑल पेन आर पेपर, सम ऑल पेन आर पेपर, सम पेपर आर पेजेस, ये है, ये कंक्लूजन दिया हुआ है। चलिए अब इन कंक्लूजन को देखते हैं। ऑल बुक्स आर पेपर, बुक्स और पेपर, वेयर बुक्स, ये बुक्स है यहाँ पर, ये पेपर है, पेन से पेन कट गया। ऑल प्लस ऑल, ऊपर से नीचे को जोड़ेंगे, ऑल प्लस ऑल, सेकंड वन, फर्स्ट और सेकंड जोड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड, ऑल प्लस ऑल क्या होता है, ऑल प्लस ऑल होता है हमारा ऑल, तो बन गया ऑल, ओ ऑल, ऐसे आएगा ना ऑल, तो ये आ जाएगा ऑल बुक्स आर पेपर, तो बन जाएगा ना ऊपर से ऑल, इस ऑल में ये वाला ऑल जोड़ दिया, तो ऑल प्लस ऑल ऑल हो गया, तो ऊपर से आएंगे ना ऐसे, पेन से पेन कट गया, ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, तो ऑल बुक्स आर पेपर, ये आगे ऊपर से नीचे को, तो दिस वन इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार जरा रफ कर लेता हूँ, अब दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम पेन आर पेजेस, पेन और पेजेस, वेयर इज पेन, दिस वन इज पेन, दिस वन इज पेजेस, पेपर से पेपर कट हो गया, ऑल प्लस सम, ऊपर से नीचे को आएंगे, लेफ्ट साइड डायगोनल क्रॉस है, ऑल प्लस सम क्या होता है, ऑल प्लस सम होता है नो कंक्लूजन, यानी कि पेन और पेजेस में कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, अब आ गए सम पेजेस आर पेपर, पेजेस और पेपर, ठीक है, अब पेजेस और पेपर की, पेजेस और पेपर की बात करते हैं, ठीक है, पेजेस और पेपर की, तो देखिए पेजेस कहाँ पर है, ये रहा, और पेपर यहाँ पे, तो यानी सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट में हमारी यदि टेबल नंबर 2 यूज़ होती है हमारी, अगर कहीं पे लिखा है, मैंने आपको बताया सम ए आर बी, तो इसको लिख सकते हैं सम बी आर ए, ये लिखा ए आर बी, तो इसको लिख सकते हैं सम बी आर ए लिख सकते हैं, तो सम पेपर आर पेजेस, तो इसको पेपर को यहाँ पे ले आते हैं और पेजेस को यहाँ पर ले जाएंगे, तो दिस वन इज़ करेक्ट। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान था, बस यहाँ पर क्या था, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि यहाँ पर कोई स्टार्टिंग वेरिएंट यानी रनिंग वेरिएंट नहीं दिया हुआ था, तो जो मैंने आपको बताया यहाँ पर बस आपको ऑल लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इज बुक आर टेबल, इज बुक आर टेबल ऑल, इज बुक आर टेबल ऑल, टेबल आर चेयर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि उसमें क्वेश्चन मार्क लगे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना, एक तरीके से समझिए, जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन मार्क लग गया ना कि इस बुक आर टेबल, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने बताया था जब भी कहीं क्वेश्चन मार्क्स आ जाए तो समझ लीजिए उसका स्टार्टिंग या रनिंग वेरिएंट नो होगा, तो लिख दीजिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, ये हो गया नो बुक आर टेबल, ठीक है, और नीचे लिख दीजिए ऑल टेबल आर चेयर, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट बन गई। अब आ जाए कंक्लूजन पे, सम चेयर आर नोटबुक, सम चेयर आर नोटबुक, चेयर और बुक, वेयर इज चेयर, येरी चेयर, बुक येरी, टेबल से टेबल कट हो गया, ऊपर से नीचे को आएंगे क्योंकि लेफ्ट साइड डायगोनल क्रॉस है, नो प्लस ऑल क्या होता है, नो प्लस ऑल होता है सम नोट रिवर्स, क्या होता है सम नोट रिवर्स का मतलब, पैसे तो हमें ऐसे आना था, ऐसे आना था, लेकिन जब सम नोट रिवर्स है तो ये लिखा जाएगा सम चेयर आर नोट बुक, और यही तो पूछा गया है, सो दिस वन इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं, नो टेबल आर बुक, टेबल बुक, नो टेबल, ये बुक, ये टेबल और बुक, तो देखो अगर कहीं पे लिखा है नो ए आर बी, तो उसको लिख सकते हैं नो बी आर ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाई डायरेक्शनल है ये वाला, ठीक, तो अगर ये, अब क्या करना है, टेबल को इधर उठा के ले आओ, बुक को इधर उठा के ले जाओ, तो नो टेबल आर बुक, तो ये करेक्ट हो गया। चलिए आप देखते हैं सम चेयर आर टेबल, चेयर और टेबल,
चेयर ये रही और टेबल ये ली, ये लिखा ऑल टेबल आर बुक। अगर कहीं पे देखो, मैंने बताया था, यहाँ देख लीजिए, मैंने बताया था कहीं लिखा है ऑल ए आर बी, तो हम इसको लिख सकते हैं सम ए आर बी। ऊपर से नीचे को तो देखो, सम को तो लिख सकते हैं, ऑल को तो सम में लिख सकते हैं, लेकिन सम ए आर बी को ऑल ए आर बी नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगल डायरेक्शन है, सिंगल डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ लिखा ऑल टेबल आर चेयर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सम टेबल आर चेयर, लिख दे दोस्तों सम टेबल आर चेयर। और जब सम को हम क्या कर सकते हैं, देखो ये सम यूनिट डायरेक्शन, ए आर बी को सम बी आर ए लिख सकते हैं, तो चेयर को यहाँ ले आऊँ टेबल की जगह और टेबल को चेयर की जगह ले आऊँ, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों करेक्ट हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, जो मैंने लिंक नीचे दी हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए, अपने घरों में रहिए, घर से जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपको कोई क्वेश्चन है तो वो टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।